स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का दोस्तों। जैसा कि आपको पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा होगा और आपने थंबनेल पे देख के क्लिक किया होगा, आज हम लोग हैं भाटपरानी स्टेशन पे। तो आज जानेंगे इसके बारे में कुछ बातें और कैसे हम यात्रा कर सकते हैं तो इसके बारे में। तो आइए मैं आपको भाटपरानी का स्टेशन दिखाता हूँ, पूरे वीडियो को एंजॉय कीजिए। और जैसे कि आपको सामने ये दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में भाटपरानी का रेलवे स्टेशन। और ये भी आप लोग देख लीजिए, समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है 73 मीटर तक है और ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। और ये इससे पहले का जो ये था, ये पुराना वाला, ये पुराना हो चुका है, ये पहले लगा हुआ था। तो कई बार एग्जाम में ये पूछ भी लेता है कि जो आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन है उसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितना है, इंटरव्यू वगैरह में कभी कभी पूछ लेता है। तो ये सोचा मैं आप सभी को बता दूँ। मैं आप लोगों को अभी स्टेशन दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप सभी स्टेशन पर इस समय देख रहे होंगे, पूरा स्टेशन इस समय लगभग खाली ही है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, कभी कुछ ही महीनों पहले पूरे देश में हमारे लॉकडाउन था, जिसके वजह से कई सारे ट्रेनों को रोक दिया गया। तो अभी मैंने इनसे बात किया और इन्होंने बताया कि जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं केवल वही अभी चल रही हैं। जैसे कि दिल्ली जाना होगा आपको या कहीं लंबी दूरी पर जाना है, जो कि जो भी जो मजदूर थे जो काम छोड़कर आए थे उनके लिए स्पेशल ट्रेनें चल रही है ताकि वो फिर से अपने काम पे लौट सकें। तो आइए वीडियो को मैं आगे ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ रेलवे स्टेशन। और ये यहाँ का पुराना बाथरूम है जो कि अभी पूरी तरीके से टूट गया है। आप लोग एक बार देख लीजिए, देख कर ही घिन आ रहा है मुझे। और एक नया बाथरूम बना है, उसको भी मैं आपको अभी ले चल के दिखा देता हूँ आगे। तो अभी ये देख लीजिए, यहाँ पे एक नया बाथरूम बना हुआ है। इसका कंस्ट्रक्शन तो काफ़ी अच्छे से हुआ है पर ये अभी इसमें लॉक किया गया है यहाँ पर। और ये गंदगी देख लीजिए यहाँ पर आप लोग। और इस समय मैं हूँ अभी जो स्टेशन है इसके टॉप फ्लोर पे, और यहाँ से मैं स्टेशन का आपको व्यू दिखा देता हूँ। और जो बात करूँ मैं दोस्तों इस समय यात्रियों की संख्या की, तो भी बहुत कम ही है, केवल इक्के दुक्के हैं। आइए मैं आपको बैक कैमरा खोल के इशारा दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों यहाँ का टॉप फ्लोर, जो कि बनाया गया है यात्रियों की सुविधा के लिए, ताकि यात्री प्लेटफॉर्म चेंज कर सकें। और इधर देखेंगे तो आप पूरा प्लेटफॉर्म लगभग खाली ही है। और इस साइड में भी इक्के दुक्के यात्री दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको मेन स्टेशन का व्यू दिखा, यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे तो केवल आपको इक्के दुक्के यात्री ही नज़र आएंगे। जैसा कि आपको साइड में दिख रहा होगा, एक व्यक्ति बैठे हुए हैं। और एक ख़ास बात जो आप लोगों से मुझे करनी थी, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे किसी ने बोतल को यूज करके फेंक दिया यहाँ पे, और गुटखा खा के इसका पैकेट फेंक दिया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा गलत काम ना कीजिए। और देखिए यहाँ पे किसी ने गुटखा खा के थूक भी दिया है। कि जो रेलवे है हमारी अपनी निजी संपत्ति है, जैसा कि भारत सरकार का कहना है कि रेलवे आपकी निजी संपत्ति है, तो इसकी सुरक्षा भी हमें स्वयं करनी होगी, तभी हमारा देश स्वच्छ होगा। यहाँ पर भी देखिए किसी ने गुटखा खा करके इसके पैकेट को यहाँ पर फेंका हुआ है। तो इन सब बातों का आप ख्याल रखिए और गंदगी न फैलाइए। और यहाँ पे और मैंने यहाँ पे कुछ लोगों से बात किया, और यहाँ पे जो टिकट कलेक्टर उनसे भी बात किया, तो फाइनली पता ये चला है दोस्तों कि अगर आपको कम दूरी की यात्रा करना है, जैसे कि 2 या 4 स्टेशन, तो आप उसके लिए अपना खुद का गाड़ी या बस प्रेफर कर सकते हैं। ट्रेन का यूज आप तभी कीजिए जब आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी हो। अगर आपको लंबी दूरी की यात्रा करना है तो आप ट्रेन प्रेफर ना कीजिए, आप यूज़ कर ले सकते हैं अपना बाइक या बस यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसके लिए आपको पहले रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, आपको 2 स्टेशन जाना हो या 3 स्टेशन, रिजर्वेशन ज़रूरी है। तो मैं कहूँगा कि आप लोग बस से ही सफ़र कीजिए। और रेलवे स्टेशन पर आने के बाद से आपका थर्मोमीटर से पूरा आपका टेम्परेचर मेजर किया जाएगा कि आपका टेम्परेचर कितना है, उसके बाद से ट्रेन में भी बैठने की अनुमति मिलेगी आपको। और आप कहीं का भी यात्रा कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक दिन पहले स्टेशन पर आना पड़ेगा,
जिससे कि आप प्रिजर्वेशन करा सकें। और एक बात का खास ख्याल रखें दोस्तों कि कचरा ना फैलाए, और ये जो मास्क है इसको आप लोग हमेशा पहने रहें, चाहे जो भी आपके पास मास्क हो हमेशा इस मास्क को पहने रहें आप लोग। तो इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है विलेज ब्लॉग का, इसमें बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। और अभी मैंने पिछला वीडियो जो मेरा था यहाँ पे बेल पर का जो ढाला है उसका मैंने बनाया हुआ है, उसको भी आप लोग देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है जा करके। तो मिलूँगा बहुत जल्द आप सभी से। अलविदा दोस्तों, वंदे मातरम, जय श्री राम।